गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज जो मैं प्रोग्राम दिखाने जा रहा हूँ, तो वो आया था आईएससी 2015 के प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में। तो ये पहला प्रोग्राम है, तो देखते हैं। तो आज भी मैंने पहले एक प्रोग्राम राइटिंग का एक वीडियो दिखाया था, तो मतलब राइटिंग का एक फास्ट वीडियो मैंने दिया है। To say the least, so far from a superstar, and my daydreams are killing me. I feel like I'm losing my mind. I'm never feeling okay. Good days are so hard to find. Just help me numb all the pain. I'm only one step from dying. Keep it at bay. Can't blame the people for trying. Just let me fall to my grave. Just let me fall to my grave. You're killing me. And I'm losing my mind at the start. Just let me fall to my grave. Just let me fall to my grave. Heart fails under pressure. Wonder if these bad days will last forever. From the past, all the good things end up in caskets. I'm never feeling okay. Good days are so hard to find. Just help me know all the pain. तो फिर से दिखाता हूँ, ये है प्रोग्राम। तो क्वेश्चन बताता हूँ। तो क्वेश्चन था ये, मैं क्वेश्चन दे दूँगा अपने डिस्क्रिप्शन में। तो क्वेश्चन था कि गिवन टू पॉजिटिव नंबर्स एम एंड एन सच दैट एम इज़ बिटवीन 100 and 10,000 एंड इज लेस देन 100, फाइंड द स्मॉलेस्ट इंटीजर दैट इज़ ग्रेटर देन एम एंड हिज डिजिट्स एड अप टू 9 and n। तो फॉर एग्जाम्पल एम इक्वल्स टू 100 एंड एन इक्वल्स टू 11, then the smallest integer greater than 100 whose digits add up to 11 is 119. So the program will display output the required number is 119 and the total number of digits is equals to 3 because 119 has 3 digits. So this is the program. So this is a code. तो अगर m का वैल्यू 100 से कम है या 10,000 से ज़्यादा है तो यहाँ पे while loop पे यूज़र से दोबारा इनपुट लेगा। मतलब जब तक इस रेंज के अंदर इनपुट नहीं आता तो लेता ही रहेगा। माने मतलब यूज़र से रिक्वेस्ट करेगा नेक्स्ट इनपुट के लिए, एम के लिए, और फिर एन के लिए सेम है। और ये तो वेरिएबल्स है जो रिक्वायर्ड है। तो आप यहाँ पे वीडियो को पॉज करके प्रोग्राम को लिख सकते हैं। तो ये मेन मेथड है और एक मैंने एक छोटा सा मेथड दिया है, इसमें सारा काम हो रहा है जो मेन मेथड कॉल करता है। तो प्रोग्राम को देखते हैं काम करता है कि नहीं। तो क्वेश्चन में था पहला 100 और एन का वैल्यू 11। तो देखिए 119 और 3, और फिर देखते हैं 1526।
तो थोड़ा इरर इनपुट देते, तो 98 और 101। तो पहले एम के लिए बोल रहा है कि इरर इनपुट है, तो मैं देता हूँ 5,000 और एन का भी वैल्यू गलत है तो 99। सो नो सच नंबर फाउंड। तो आप देख सकते हैं प्रोग्राम बहुत अच्छे से रन कर रहा है। तो यही था आज का प्रोग्राम। मैं सेकंड क्वेश्चन भी अपलोड करूँगा, थर्ड क्वेश्चन भी। तो स्टे ट्यून्ड। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, बहुत मोटिवेशन मिलती है। और आपको अगर कोई और भी कोई दूसरे प्रोग्राम की कोड चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। और आज के लिए बस इतना ही, तो बाद में मिलते हैं। बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।